मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उसके लिए क्या सज़ा है जो चाहे मर्द हो या औरत नमाज को हकीर समझे। फरमाया, ऐ फातिमा, औरतों और मर्दों में से जो भी नमाज से सुस्ती करे खुदा उसको 15 खसलतों से दोचार कर देगा। उनमें से 6 दुनिया में, 3 मरते वक्त, 3 कब्र में और 3 कयामत में जब वो कब्र से उठेगा। वो 6 खसलतें जो दुनिया में उस तक पहुंचेंगी वो ये है, खुदा उसकी उम्र से बरकत को उठाएगा, खुदा उसके रिस्क से बरकत को छीन लेगा, खुदा उसके चेहरे की रौनक खत्म कर देगा, वो जो अमल अंजाम देगा उसका फल नहीं मिलेगा, उसकी दुआ आसमान तक नहीं पहुंचेगी, नेक लोगों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और वो 3 खसलतें जो मरते वक्त उस तक पहुंचेंगी, वो जलील ख्वार होकर मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। और वो 3 खसलतें जो उसे कब्र में मिलेंगी वो ये है कि खुदा उसकी कब्र में एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा जो उसे सजा और अजाब देगा, कब्र उस पर तंग हो जाएगी, उसकी कब्र तारीक हो जाएगी। और जो 3 खसलतें कयामत के रोज उस तक पहुंचेंगी, खुदा एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा जो लोगों के सामने उसको कत्ल कर देगा, उसका हिसाब और किताब सख्त होगा, खुदा उसकी तरफ नहीं देखेगा, उसे पाक नहीं करेगा और उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। लिहाजा तमाम लोगों को चाहिए कि वो अगर अपने आप को हकीकी मुसलमान समझते हैं तो नमाज छोड़ना तो दूर की बात, नमाज को हकीर यानी हल्का भी नहीं समझ सकते, वरना इन मुसीबतों से दोचार हो सकते हैं। खुदा तेरी बारगाह में हम दुआ करते हैं कि हमें तौफीक दे कि हम अव्वल वक्त नमाज पढ़ें। बिहक मुहम्मदियों व आली मुहम्मद।